देखिए लास्ट ईयर मैं सवाल करा रहा था कि वीडियो कट हो गई थी, केस फोर था पार्शियल फ्रैक्शन का, उस वीडियो को देख लीजिएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। मैंने क्या बताया था कि जब पावर डबल हो जाए तो मेरे भाई बी एक्स प्लस सी, इस तरह से हम लिखते हैं कोफिशिएंट के साथ एक कॉन्स्टेंट में। कोफिशिएंट क्या होते हैं जब एक्स के साथ नंबर हो, और कॉन्स्टेंट क्या होता है जब खाली नंबर हो। एक बात याद रखो, ए बी सी हमेशा कॉन्स्टेंट के तौर पर यूज होते हैं, और जो आखिर के लेटर होते हैं एक्स वाई जेड, ये हमेशा वेरिएबल के तौर पर यूज होते हैं। ये आर्बिट्रेटरी कॉन्स्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता। एक तो सिक्स सेवन नंबर हो गए, ये जो डिनोमिनेटर होता है इससे हमेशा मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया, ए वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, बी एक्स प्लस सी वन प्लस एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स प्लस डी एक्स प्लस ई वन माइनस एक्स। फिर देखिए लेफ्ट में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या करते हैं कि वन माइनस एक्स जो लीनियर पावर वाला है इसको जीरो, एक्स की वैल्यू वन आ जाएगी, ये सारा वन माइनस एक्स की मल्टीप्लीकेशन कैंसिल, ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जो कि आ जाएगी वन बाय फोर। अब देखो सबसे बड़ी पावर एक्स की पावर फोर है, लेफ्ट साइड पे एक्स की आर फोर है नहीं है, तो एक्स की आर फोर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा जीरो। राइट साइड पर एक्स की आर फोर का कोफिशिएंट ए है और एक्स की आर फोर का कोफिशिएंट माइनस बी है। प्रीवियस वीडियो में मैंने सारी डिटेल बताई है, जिससे जीरो इक्वल टू ए माइनस बी आ जाएगा, यानी ए बी के इक्वल आ जाएगा, ए चूंकि वन बाय फोर है तो बी भी वन बाय फोर हो जाएगा। अब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट जीरो है, यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट माइनस सी है, मेरे भाई और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट मजीद होगा क्या, अभी हमें सोचना चाहिए, यहां से तो नहीं आएगा। बी एक्स को अगर हम वन से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे मेरे भाई, और फिर माइनस एक्स से करते नहीं आएगा, लेकिन अगर बी एक्स को पहले एक्स स्क्वायर से करो फिर वन से करो तो आ जाएगा, यानी एक और आ जाएगा बी एक्स क्यूब। तो अगर मैं गौर से देखूं तो एक्स क्यूब का क्वेश्चन यहाँ से बी माइनस सी आ रहा है या जीरो आ रहा है, बी माइनस सी का मतलब जीरो, यानी बी इक्वल टू सी, यानी के इक्वल टू वन बाय फोर। अब क्या रहेगा, डी और ई निकालने रहेगा। डी और ई के लिए हमारा ताल्लुक यहां से बनता है, डी एक्स की पावर वन डी एक्स का स्क्वायर, बिल्कुल जी डी एक्स का स्क्वायर आ रहा है, डी एक्स का स्क्वायर है, ई का स्क्वायर होगा नहीं भाई, यहां पे एक्स स्क्वायर है बिल्कुल है, एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट लेफ्ट पे क्या है वन है, और एक्स स्क्वायर आएगा बिल्कुल आएगा यहां से आएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो टू एक्स स्क्वायर के साथ भी ए आ रहा है, टू एक्स स्क्वायर के साथ यानी x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2a हो गया। और कहीं आ रहा है भाई, यहां देखिए bx को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से, ठीक है, और फिर माइनस x से, तो माइनस bx स्क्वायर आएगा, और आ रहा है c पे आ रहा है कहीं जी, c को अगर मैं x स्क्वायर से करता हूं और 1 से तो आ रहा है cx स्क्वायर, काफी ज्यादा जगहों पे आ गया ना। अब देखिए लेफ्ट पे रहा 1, राइट पे डी प्लस टू ए माइनस बी प्लस सी, यहां से हम डी का कोफिशिएंट निकालेंगे, इसी तरह ई का कोफिशिएंट निकालेंगे, एंड में इन सब वैल्यूज को जब हम रख देंगे दोबारा इस फॉर्म में, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की, डी की, ई की, ये आएगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर। और जाहिर है इंटीग्रेशन करना कोई इसका मुश्किल काम नहीं है, इंटीग्रेशन अलग से मैं आपको बता ही रहा हूं। अब एक और टॉपिक जो आज मुझे कराना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन मैथमेटिक्स का एक सब्जेक्ट है, आगे चले गए इंजीनियरिंग में जब आप पढ़ेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन एक अलग से सब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके जी, डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स वाई क्यूब है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, नतीजतन डी वाई इधर है वाई क्यूब उधर चला जाएगा, एक्स जो है वो डी एक्स है, वाई क्यूब ऊपर जाके क्या हो जाएगी, वाई की पावर माइनस थ्री प्लस वन माइनस थ्री प्लस वन, एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। अब देखो एक्स या जीरो पुट कर दो, वाई या वन पुट कर दो, तो यहाँ तो खत्म हो जाएगा, यहाँ से सी बचा, या वन पुट करो, वन की पावर माइनस थ्री तो ये माइनस टू, वन की पावर कुछ भी हो यहाँ से माइनस टू बच रहा है, माइनस वन अपॉन टू, तो इस तरह से हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई। जब सी की वैल्यू आ जाएगी, बल्कि थोड़ा सा स्टेप कर लें वरना यहाँ से लोग शायद कंफ्यूज हो जाएंगे, वन स्क्वायर माइनस टू, वाई की जगह वन पुट करो तो माइनस वन अपॉइंट टू, एक्स या जीरो सी की वैल्यू, एंड में क्या करो, ये जो हमारा आंसर आया था
क्या आया था भाई, 1/2 y² = x² 2+c, तो c की जगह c की वैल्यू पुट कर दो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये चीज क्या कहलाती है, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके सवाल अब मैं आपको और बहुत सारे कराऊंगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है जी। सेकेंड ईयर के लिए ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, चाहे किसी भी बोर्ड से ताल्लुक रखते हो, ए लेवल के लिए ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ ये कहाँ के लिए ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एफ टी के लिए।